हे hey, नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए Oppo F9 Pro का एक कैमरा रिव्यू। जी हाँ, Oppo F9 Pro का ही हम कैमरा रिव्यू यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा Oppo F9 Pro, कुछ इस तरीके से दिखता है। एक यहाँ पे बोल सकते हैं कि वाटर एक नॉच वाला आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि 6.3 इंच का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले देख लीजिए, 19:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ आता है। बहुत ही अच्छा एक बोल सकते हैं कि वाटर ड्रॉप डिस्प्ले टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे 25 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बैक कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 16+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा अपर्चर F1.8 और 2.4 के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कैमरा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोड देखने को मिल जाते हैं। और कैमरा फर्स्ट लुक में तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया टाइम लैप्स, फोटो, वीडियोस, यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और वीडियो की बात करूँ तो 1080p तक ही वीडियो सपोर्टेड इसमें दिया गया है, 4K वीडियो इसमें नहीं सपोर्ट किया गया है। और ये कुछ इस तरीके से आपको AI वाला यहाँ पे देखने को, यहाँ पे स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा में। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर यहाँ पे आप बोल सकते हैं। कोई भी लड़की लोग अगर ये फ़ोन लेते हैं तो वो एक स्टिकर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे फोटोज़ पीछे की तरफ स्टैंडर्ड स्क्वायर जिस तरीके से आपको लेना है फुल स्क्रीन में एक्सपेक्ट रेशियो चेंज करके। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें आप लाइटिंग या फिर चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से DSLR में रहता है उस तरीके से इसमें भी चेंज कर सकते हैं। 2x जूम भी इसमें दिया गया है। जी हाँ, रियल मी 1 की तरह 2x जूम भी इसमें मिलता है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन आपको एक बढ़िया डिसेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये है कुछ कैमरा का यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरफेस की किस तरीके से यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है। यही जो वाटर नॉच वाला डिस्प्ले है, वही 25 मेगापिक्सल का कैमरा है। और जैसे कि मैंने बताया कि पीछे का 16+2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए कैमरा का कुछ सैम्पल शॉट्स यहाँ पे देख लेते हैं। सो गाइस, अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो हो रहा है हमारे Oppo F9 Pro के फ्रंट कैमरा से, यहाँ पे जो नॉच वाला कैमरा है उसमें से हो रहा है। और वीडियो की क्वालिटी देख लो किस तरीके से मिल रही है। यहाँ पे मैं 360 अगर मैं आपको दिखा दूँ तो किस तरीके से मिलता है। और जो ऑडियो है वो भी फ़ोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। किस तरीके से मतलब लाउडनेस कितना है वो आपको पता चल जाना चाहिए शायद देखने के हिसाब से। और फिलहाल के लिए अगर मैं जितना बताऊँ, अगर लाइटिंग यहाँ पे तो ऑडियो ये वीडियोस तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सैचुरेशन बहुत ही अच्छा है, ऑन पॉइंट है, एक्सपोजर बहुत ही अच्छा है, ओवर एक्सपोज या फिर कुछ नहीं कर रहा है। फेस पे बहुत ही अच्छा खासा एक ग्लो दे रहा है आपको लुक एंड फील वाइज। और यहाँ पे बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पोर्ट्रेट बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे आप अगर आप व्यूविंग एंगल्स भी देख ले तो कितना आपको वाइड देता है। बहुत ज़्यादा भी वाइड एंगल नहीं है, लेकिन ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके Oppo F9 Pro के यहाँ पे फ्रंट कैमरा की फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो बैक कैमरा से हो रहा है यहाँ पे Oppo F9 Pro के। यहाँ पे एक्सपोजर देख लो, फोकस देख लो किस तरीके से मिलता है। यहाँ पे मैं पैन वीडियोज आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मिलती है। यहाँ पे देखो लाइटिंग भी अच्छा कंडीशन है, इसके लिए बोल सकते हैं कि लाइटिंग अच्छा है। और जो ऑडियो है वो फ़ोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रही है। एक बार आपको फोकस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो अभी तक इसने हाथ को मेरे फोकस अभी किया इसने और ये हटाता तो ये, तो फोकस देख लो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा आप लोगों को फोकस मिल जाता है। और जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी 1080p में आपको यहाँ पे निकाल रहा हूँ। देख लो किस तरीके से आपको यहाँ पे ओवरऑल ये हैंडसेट का कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रेंड। यही है फ़ोन का मेन हाइलाइटिंग फीचर, फूक 5 मिनट चार्ज और 2 आवर्स टॉक टाइम। बाकी आप कैमरा का यहाँ पे रिव्यू तो देख ही रहे हैं किस तरीके से आपको कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये तो था कुछ वीडियो सैंपल। यहाँ पे मैंने स्लो मोशन भी वीडियो निकाला है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ऑन पॉइंट लग रहा है। और ये कुछ अब पिक्चर्स की बात करेंगे। ये सेल्फी कैमरा से लिया गया 25 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से AI से, तो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये बैक कैमरा से लिया गया है, पोर्ट्रेट मोड ऑन करके देख लीजिए किस तरीके से पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो फोटो है ये विदाउट बोके मोड लिया गया, तो किस तरीके से क्वालिटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है देख लीजिए। ये वाला जो सेल्फी है ये लिया गया है फ्रंट कैमरा से लाइट मोड ऑन करके, यानी कि इसमें एक ऑटोमेटिकली फिल मोड या फिर अलग अलग मोड्स आपको मिलते हैं जिस तरीके से DSLR में मिलते हैं, तो उसी तरीके से ऑन करके मैंने ये सेल्फी लिया है।
और ये वाला पिक्चर विदाउट बुके लिया है, तो किस तरीके से बैकग्राउंड आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही है कैमरा रिव्यू इस ओप्पो एफ नाइन प्रो का, एक शॉर्ट कैमरा रिव्यू था, जैसे कि बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे बैक कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बात करूँ क्वालिटी की तो सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डिसेंट है इसके प्राइसिंग को मद्देनजर रखते हुए। परफॉर्मेंस इसका बहुत ही आपको बढ़िया मिलने वाला है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी दिख रही है, लाइटिंग में तो बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिल जा रहा है। अब लो लाइट की बात करें तो उतना बढ़िया मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, कि जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के रूप में काम करेगा वो बूके उतना अच्छा नहीं निकाल देगा बूके की बात करूँ तो। और वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी बहुत ही बढ़िया था फ्रेंड्स। यही था इस ओप्पो एफ नाइन प्रो का एक शॉर्ट कैमरा रिव्यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आता तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बन रही टेक यूट्यूब चैनल के साथ, बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।